तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने लैपटॉप में जाना है और लैपटॉप में आप यहाँ पर सेटिंग में चले जाएंगे। यहाँ पर आपको जो सिस्टम दिखाई दे रहा है उसके अंदर जाना है और सिस्टम के अंदर जाके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर ऑप्शनल फीचर जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर जाएंगे। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर ऐड अ फीचर में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है वायरलेस डिस्प्ले। इसको यहाँ से टिक करना है और यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है और इसको कंफर्मेशन लेने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं वायरलेस डिस्प्ले यहाँ पर आ गया है। अब आपको करना है प्रोजेक्ट टू दिस पीसी के अंदर जाना है। यहाँ पर ऑलवेज ऑफ है तो यहाँ पर अवेलेबल एवरी टाइम कर लीजिए। आस्क टू प्रोजेक्ट दिस पीसी तो एवरी टाइम कनेक्शन, पिन नेवर ये कर लीजिए। अब क्या करना है, लॉन्च द कनेक्ट ऐप। अब इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपको अपने मोबाइल में जाना है, मोबाइल के अंदर आप सेटिंग, दोस्तों अब आपको अपना मोबाइल ले लेना है। मोबाइल में आप सेटिंग के अंदर जाइए, सेटिंग के अंदर अदर नेटवर्क एंड कनेक्शंस में जाइए। यहाँ पर स्मार्ट मिररिंग पर क्लिक करें, यहाँ पर स्क्रीन मिररिंग, और यहाँ पर स्क्रीन मिररिंग जो है उसे ऑन कर लीजिए। ये आपको वाईफाई ऑन करने के लिए कहेगा तो यहाँ पर वाईफाई सेटिंग में जाइए, वाईफाई को ऑन कर लीजिए। वापस बैक आ जाइए, यहाँ पर स्क्रीन मिररिंग है इसको ऑन कर लीजिए। अब ये सर्चिंग कर रहा है तो ये जो लैपटॉप है हमारा डेस्कटॉप 9EMQSKO, इसका नाम यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए, अभी आप इसका नाम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ये जो मेरी मोबाइल की स्क्रीन है वो लैपटॉप पर आ जाएगी। अभी ये कनेक्ट कर रहा है। ये देखिए, अब मेरे मोबाइल में मैं जो भी करूँगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। ये देखिए, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर कोई वीडियो प्ले करता हूँ, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये वीडियो है, ये वाला, तो ये इधर मोबाइल में चल रहा है और उधर लैपटॉप में चल रहा है। ये देखिए, तो इस तरह से आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को आराम से कास्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।